हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स, गांधी फैमिली ब्लॉग्स। गाइस, एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए, मतलब इंतजार कर रहे हैं। मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि मतलब आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना, वो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गाइस। ये गुड न्यूज़ ये है कि मेरी बेटी दिया, आप लोगों को पता ही है मेरे हर ब्लॉग में, मेरे शूट तो वो भी करते हैं, तो दिया को मिल गया मतलब फैशन आइकॉन में ऑडिशन देने का मौका। तो पहले तो उसका ऑडिशन हुआ है मतलब ऑनलाइन, तो उसमें वो पास हो गई। उसके बाद अभी उसको बुलाया गया चंडीगढ़ में। तो गाइज अभी हम बिल्कुल रेडी हो गई हूँ चंडीगढ़ निकलने के लिए। तो अब जाते हुए ब्लॉग बनाते जाऊंगी, तो आप लोगों को एक एक चीज़ बताते जाऊंगी कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो हम मतलब वहाँ पे जाने के लिए रेडी हुए, दिया पुनीत मतलब हमारे फैमिली जा रहे हैं। एक दो दोस्त को बोला था तो बिजी है तो नहीं जा रही हैं, तो दिया को लेके मैं जा रही हूँ। और मतलब अभी दिया ट्रेन से जाना है, बस से जाना है? बस पे चलते हैं। हाँ तो गाइस लंबे सफ़र है, तो बस पे चलूँगी क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है। सफ़र आप लोगों को दिखाते चलूँगी। थोड़ा सा मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ बहुत ज़्यादा कि मतलब बच्चों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, आगे पता नहीं। चलो देखते हैं, आगे रब के ऊपर छोड़ा हुआ हूँ कि दिया का मतलब दिया के आगे क्या होना पता नहीं। पर दिया यहाँ से मतलब चंडीगढ़ से दिया जो 20 में से आ गया, तो उसके बाद दिया को जाना पड़ेगा मुंबई। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मतलब मेरे बच्चे को ढेर सारा प्यार दो और इतना आशीर्वाद दो, भर भर के आशीर्वाद दो कि जो चंडीगढ़ वाले ऑडिशन में दिया जा रही है, दिया के ऑडिशन मतलब 10 तारीख को है, आज 9 तारीख है, तो अभी हम निकल रहे हैं। तो आप लोग इतना भर भर के मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो कि मेरे बच्चे मतलब टॉप 20 में मतलब में आ जाए। इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा अंदर से डर भी लग रहा है। तो गाइज मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे हम जा रहे हैं चंडीगढ़। बात यह है ना कि मतलब वहाँ पे चंडीगढ़ में सिर्फ दिया के साथ ओनली वन ही अंदर जा सकते हैं वहाँ पे ऑडिशन के लिए। तो दिया के पापा नहीं जाएंगे, वो हम वहाँ पे जाके स्टे करेंगे चंडीगढ़ में आज। तो कल फिर दिया के साथ मैं जाऊँगी। और पता नहीं, मैं पूरा आप लोगों से वादा तो नहीं करती हूँ कि अंदर के व्लॉग में आप लोगों को दिखा पाऊंगी कि नहीं, मतलब तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को ब्लॉग में पूरी पूरी दिखाने की कोशिश करूंगी कि हम लोग वहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, किन से मिले और कितने लोग आ रहे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी गाइज। और जहाँ पे नहीं तो वहाँ पे तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज़ हमारे ये खुशी वाले मतलब ब्लॉग देखने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ढेर सारा दुआएं देना मेरे दिया को और ढेर सारा आशीर्वाद देना और हमारे ब्लॉग देखते रहना और हमारे साथ प्लीज़ आप लोग बने रहना। और जो हमारे वीडियो देख रहे हो मतलब हमारे सब्सक्राइबर हो, तो उन लोगों को तो बहुत बहुत थैंक यू। तो कमेंट में जरूर बताना आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसा लगता है, तो हमारे साथ जुड़े रहना और देखते रहना। अभी तो आप लोगों को हमने दिखाना है चंडीगढ़ के सफर, और मतलब चलती जाऊंगी, जो जो हमारे साथ होते रहेगी सब कुछ आप लोगों को दिखाते चलूंगी। तो गाइस प्लीज हमारे साथ बने रहना, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं गाइस, आज से नहीं, हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो अभी भगवान की कृपा है, हम कुछ करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों के दुआ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं मेरे और मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए। तो गाइज हमारे साथ बिल्कुल बने रहना आप लोग, तो हमारे साथ चलिए, हमारे ब्लॉग देखते रहिए और देखते रहिए आगे दिया के साथ क्या क्या होता है और दिया फैशन शो में कैसे लगते हैं, तो वो भी देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दिया के वहाँ पे रैंप वॉक वगैरह भी होगा, तो कोशिश करूंगी आप लोगों के ब्लॉग में दिखाने के लिए। और जो ब्लॉग में मैं नहीं दिखा पाया, तो गाइज दिया के सारे शूट हमारे इंस्टाग्राम पर अपलोड होगा, तो मेरे आईडी दिया के आईडी हमने तो खुद करना ही है, और वहाँ पे जो जज होगा तो उन्होंने आईडी पर भी होगी, तो मैं उनके आईडी भी मतलब इंस्टाग्राम पर मैंशन करूंगी। तो आप लोग प्लीज़ हमारे ये देखते रहना ब्लॉग। तो गाइज हम बिल्कुल होगी रेडी, तो अभी हम जा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है, काफ़ी लंबा सफ़र है, चलती जाऊँगी और आप लोगों को दिखाते जाऊँगी। गाइज हम पहुंच चुके हैं बस अड्डे पर, हुए इस टाइम बस के इंतजार कर रहे हैं और साथ में खा रही हूँ है ना ब्रेड पकौड़े। तू खा ले, मैं नहीं खा रहा हूँ। गाइज अब ना अभी भी हम लोग खाने तक नहीं पहुँचे हैं, तो अभी 7 बज गए। हम काफ़ी देर पहले निकले थे, मम्मी की तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, मम्मा तो अभी देखते हैं, हम मेरे हिसाब से 10 बजे तक पहुँच जाए, 12 बजे तक लुधियाने।
8:25 है, अभी भी हम लुधियाने में है गाइज। अभी चंडीगढ़ जाते जाते तो 10:30 हो जाएगी। बहुत थक चुका हूँ गाइज, और मम्मी की तबीयत भी खराब हो रही है। गाइज हम पहुँच चुके चंडीगढ़, और अभी इस टाइम चंडीगढ़ में नहीं, हम इस टाइम मतलब चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर पीछे हैं। क्या जगह का नाम? हाँ हाँ, खरर पर। मतलब ये मेरे फ्रेंड की फ्लैट है, तो वहाँ पे हमने आज रात को यहाँ पे स्टे करना है, तो मॉर्निंग फिर हमने जाना है आगे जहाँ पे दिया के शो है। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ सच में। तो गाइज अभी हम मतलब यहाँ पे रुकेंगे, अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और अभी बजे कितना? 11:10 हुआ गाइज। गाइज रात को 11:10 हो गए हैं। वो पीछे पुनीत अभी वेट कर रहे हैं, वो उसको अभी नींद आ रहा है। वॉच उतार के उधर रख लो आप, तो आप करो बिल्कुल पूरे दम रेस्ट। मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था कि आप भी चलो, आपके मतलब आपके फ्लैट है, हम तो बिजी है तो इसलिए नहीं आए, तो उनके फ्लैट में हमने मतलब स्टे किया है, तो बहुत अच्छा है यार, बहुत ब्यूटीफुल भी है, अच्छा भी है। पर आज हम लेट बहुत हो गए सच में, बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए आज। पता है क्या बात है, हमें ना थोड़ा सा जल्दी घर से निकलना था, पर कुछ काम भी था इसलिए हम ना काफ़ी लेट कर लिए हैं। गाइस हमने बीच में व्लॉग इसलिए भी नहीं लिया, जो हम बस वगैरह में थे वो वाला व्लॉग इसलिए भी नहीं लिया ज़्यादा, क्योंकि मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी और मुझे भी मतलब तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो हम वो नहीं ले पाए जो बीच बीच में, क्योंकि हमने ना पहले मतलब आज ना बसों की थोड़ा सा हड़ताल भी चल रहे थे, क्योंकि हमें सुनाई में आया था कि थोड़ा मीटिंग वगैरह चल रहा है केजरीवाल सरकार की लुधियाने में, इसलिए बसों की थोड़ा सा हड़ताल चल रहा है। मीटिंग में गया हुआ मतलब बस, तो इसलिए बस मिल नहीं रहा था, और ट्रेन में भी नहीं मिल रहा था, तो बहुत ही मतलब परेशान हुआ हम। पहले तो हम 3 बस बदल किए, पहले तो हमने किया, पहले हम पहले मोगे तक आए, मोगे से फिर हमने बस लिया, फिर हम लुधियाना तक आए, और फिर लुधियाने से फिर अभी हम खरर। हाँ बीबी, हम चंडीगढ़ में नहीं पर उसके करीब। हाँ चंडीगढ़ से हम मेरे हिसाब से 8-10 किलोमीटर पीछे है, यहाँ पे हम रात आज रुकेंगे, तो मॉर्निंग में जाएंगे गाइस। तो मॉर्निंग में उठ के फिर मैं और दिया, क्योंकि जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पे सेफ ओनली वन एक ही मतलब अंदर जा सकते हैं, जो मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, मेरे साथ जा सकते हैं, दिया के साथ कोई एक ही जा सकते हैं, तो दिया के पापा तो नहीं जाएंगे, तो दिया और मैं मॉर्निंग में जाऊँगी। तो गाइज बीच बीच में सफ़र नहीं ले पाई मतलब बस की, क्योंकि एक तो ना तबीयत खराब हो गई थी, एक तो अंधेरा भी था, तो अच्छे से ले नहीं पाया, इसलिए बीच वाले हमने शूट नहीं कर पाया। अभी हमने ना जो मेन बात हो तो हमने बोला ही नहीं कि हमने रात को क्या खाना है। गाइज हमने ना पहले सोचा था कि हमने बाहर खाना खा लेना है, पर फिर हमने ना सोचा कि जे हम इतने लेट घर से बाहर निकल रहे हैं, तो पहुंचते पहुंचते तो काफ़ी रात हो जाएंगे, तो इतने रात करके किसी को क्या तकलीफ देना, या होटल वगैरह पे भी हमने जाना तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब दूर हो या नेड़े हो हमें, मतलब इस करके ना, तो हमने घर से ही खाना बना के लेके आई हूँ, तो बस वो खाना अभी खाना है और रेस्ट करना है। गाइज हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, और मतलब अभी जो हमने खाना बना के लेके आई हूँ, मैंने परोठी बना के लेके आई हूँ, आलू की सब्जी बना के लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए घर से बना के लेके आई थी, मैंने बोला काफ़ी रात हो जाएगी, पता नहीं बाजार क्या मिले यार, घर का चीज़ घर का ही होता है, क्योंकि कल तो फिर हम यहाँ पे रहेंगे, फिर कल तो बाहर से ही सारे खाना पड़ेगा, तो अभी जो हम खाना लेके आए गाइज हम खाना खा लेते हैं। अभी मेरे हिसाब से कितने टाइम हो गया दिया, टाइम अभी तो 11:21 अभी 11:30 होने वाले हैं, तो गाइज हम ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हो सुबह अगले व्लॉग पे। मिलते हो सुबह, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ, अटक अटक के बोल रही हूँ, तो ओके गाइज ये व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अगले व्लॉग पर, मतलब कल मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो जाना है, तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहना और हमारे व्लॉग देखते रहना, और व्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय बाय गाइज, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।